एक रात को मेरे को कॉल आता है कि आप कोर्ट में आओ जल्दी से, डिस्ट्रिक्ट जज के चैम्बर में ऑर्डर दे देते हैं डिस्चार्ज ऑर्डर कि आपको डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस किया जाता है। अब उन्होंने ऐसे कलंक के साथ मुझे निकाला है कि मुझे ज़िंदगी में कभी नौकरी नहीं मिल पाएगी। मेरी उम्मीद अभी भी मेरा है कि मुझे न्याय मिलेगा, चाहे वो हाई कोर्ट से मिले चाहे सुप्रीम कोर्ट। राजस्थान में जब किसी महिला के खिलाफ अत्याचार होता है तो वो न्याय के लिए कोर्ट का रुख करती है, लेकिन उस कोर्ट में जज की कुर्सी पर बैठी हुई महिला के साथ जब अत्याचार होता है, मानसिक प्रताड़ना की हदें पार होती है, तो वो कहाँ जाए, कहाँ गुहार लगाए। कुछ ऐसा ही मामला राजस्थान में देखने को मिला है, जहाँ एक महिला जज न्याय के लिए दर दर भटक रही है। बिना उसका पक्ष सुने उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अब इस महिला जज ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और इसकी प्रेरणा बनी है अर्पिता साहू, क्योंकि पिछले दिनों अर्पिता साहू ने परेशान होकर सुप्रीम कोर्ट के CGI से इच्छा मृत्यु की मांग की। और अब जो एलिजा गुप्ता हैं, राजस्थान की बेटी जिनको न्याय चाहिए, वो अब हाईकोर्ट के जजों से उम्मीद लगाए बैठे। एलिजा गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। एलिजा जी, क्या हुआ ऐसा कि एक महिला जो उस सीट पर बैठी है जिसके सामने ना कोई महिला है ना कोई पुरुष है, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी मानसिक प्रताड़ना और बाद में नौकरी से हटा दिया जाना? मैं खुद इस सिस्टम को समझ नहीं पाई कि मतलब मैं उस सीट पे बहुत बहुत उम्मीदों से बैठी थी कि ये सोच के कि मैं लोगों को न्याय दूंगी। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं खुद न्याय के लिए मुझे भटकना पड़ेगा और ऐसी सीट पे बैठ के मेरे साथ इतना अन्याय होगा जिसकी कोई सुनवाई भी नहीं होगी। और मतलब बीइंग द विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस, मुझे ही एक तरीके से एक आरोपी बना के नौकरी से निकाल दिया जाएगा ये कहते हुए कि आपका आचरण ठीक नहीं है। मतलब पिछले 3 साल में मुझे कोई ऐसा शो कॉज नोटिस नहीं, ना कोई ऐसी वार्निंग या क्वेश्चन, कुछ भी ऐसा इशू नहीं किया गया जिसमें ये हो कि आपका आचरण ठीक नहीं है, आपका एटीट्यूड बिहेवियर कंडक्ट परफॉर्मेंस को लेके कभी भी ऐसा कोई लेटर इशू नहीं किया गया जिससे कि या ऐसा कुछ को इंटीमेशन या कुछ ऐसे दी गई हो कि आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और फिर सीधा एक रात को मेरे को कॉल आता है कि आप कोर्ट में आओ जल्दी से डिस्ट्रिक्ट जज के चैम्बर में और अर्जेंट मीटिंग है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है हाईकोर्ट जजेस के साथ, आपको अर्जेंटली आना पड़ेगा। मैं रात को कोर्ट में पहुँचती हूँ, पता लग दिखती हूँ वहाँ पे उस चैम्बर में कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं है, कुछ नहीं है, और वहाँ पे अकेले में मुझे देके वो एक ऑर्डर दे देते हैं डिस्चार्ज ऑर्डर कि आपको डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस किया जाता है। मैंने कहा सर किस बात पे? तो ये कहा जाता है कि जो इसमें लिखा हुआ है आप कर लो। तो उसमें लिखा होता है कि एटीट्यूड बिहेवियर कंडक्ट आपका अच्छा नहीं है। मैंने कहा सर रीज़न, मतलब मेरे को एटलीस्ट ये तो पता लगे, इंसान सरकारी नौकरी में आता है सोचता है कि उसका फ्यूचर सिक्योर्ड है, बट मेरे साथ क्या हुआ कि मतलब कि रातों रात नौकरी से निकाल दिया जाता है। मतलब एक प्राइवेट जॉब में भी जब किसी को निकाला जाता है, 1 महीने का नोटिस, 10-15 दिन का नोटिस बताया जाता है कि आपको निकाला जा रहा है या आपको निकाला जाएगा, आप अपनी दूसरी नौकरी देख लो। मेरे को तो रातों रात उन्होंने इस तरह से निकाल दिया कि जैसे मतलब कुछ कोई मैं वहाँ पे कुछ थी नहीं। मतलब एक बीइंग अ जज, मतलब मैं अपनी पोस्ट पे वहाँ पे सेफ नहीं हूँ। मतलब हम वुमेन रिजर्वेशन की बात करते हैं, वुमेन रिजर्वेशन के बाद अगर हमें नौकरी मिल जाती है तो मतलब ऐसे हालत में इस तरह से निकाला जाता है कि हमें मतलब इन फ्यूचर भी कोई दोबारा नौकरी ना मिल पाए। आर्टिकल 21 हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खुले कहता है कि राइट टू लाइफ इंसान के पास होना चाहिए, बट वो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, जीने का हक तभी होगा जब हम इज्जत से जी पाएंगे। अब उन्होंने ऐसे कलंक के साथ मुझे निकाला है कि मुझे ज़िंदगी में कभी नौकरी नहीं मिल पाएगी। और मुझे नहीं लगता कि मतलब कि मेरे साथ न्याय हुआ है, इसीलिए मैंने पिछले 2 महीने से मैं इधर उधर लेटर्स लिख रही हूँ, कभी RTI डाल रही हूँ कि एटलीस्ट मुझे ये तो पता लगे कि किस लिए मुझे निकाला गया है, एटलीस्ट ये तो बताया जाए मेरी गलती कहाँ थी, कहाँ। कागज पर सिर्फ ये लिखना कि आपका आचरण अच्छा नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है, क्या ऐसा शिकायत हुई, क्या बात हुई कि सिर्फ कागज पर लिखकर नौकरी से हटाना? मेरे को खुद समझ नहीं आया कि न्यायपालिका में ऐसा होता है राजस्थान में स्पेशली, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, कभी ऐसा देखा नहीं कि किसी को रातों रात कोर्ट में बुला के रात के 12 बजे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, चार्ज ले लिया जाता है, रात को कोर्ट में बुला के उससे डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है। ये कोई एक तरह की ये बड़ी मानसिक प्रताड़ना है कि रात को 12 बजे आपको झूठ बोलकर कोर्ट बुलाया जाता है? बिल्कुल, मेरे को ये झूठ ये बोल के बुलाया गया कि VC है हाईकोर्ट जजेस के साथ, आपको इमीडिएटली आना पड़ेगा। और मैं अपना सारा काम हम छोड़ के इतनी रात को अकेले मैं वहाँ पे रहती थी जोधपुर में, जयपुर वहाँ जहाँ भी मेरी पोस्टिंग रही, बीइंग अ फीमेल ऑल्सो, मतलब कि इतनी रात को उनको बुलाना, मतलब और भी मतलब मेंटल हैरेसमेंट और इतने हैरेसमेंट मेरे साथ हुए हैं, वो चीज़ें मैं नहीं बोल सकती यहाँ पे। बट जो चीज़ें मैं चाहती हूँ कि वुमेंस के लिए, मतलब एटलीस्ट जो मेरे साथ हुआ है किसी और के साथ ना हो, एटलीस्ट ये चीज़ें सामने आए। पिछले 2 महीने से मैंने इतने चक्कर काटे,
कभी लॉ मिनिस्ट्री में, कभी कोर्ट्स में, कभी लेटर्स लिख रही हूँ मैं, कभी आरटीआई डाल रही हूँ, कहीं से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तब जाके मुझे मीडिया की हेल्प लेनी पड़ी कि एटलीस्ट मेरी आवाज़ कहीं तक आगे तक पहुँचे, एटलीस्ट न्याय तो मिल सके, एटलीस्ट उन लोगों को पता तो लग सके आगे अथॉरिटीज़ को कि मेरे साथ क्या हुआ है। नहीं तो वही है एक कि मतलब कि किसी के साथ हुआ, कोई अपने घर में बैठ गया, जैसे अनजान, कभी ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं। वो तो मैं अर्पिता साहू का जब मैंने लेटर पढ़ा तब उनका देखा कि मैंने ये मैडम मैम तो मतलब सुसाइड करने पे तुली हुई है, मतलब कि सुसाइड करने के इनके मन में आई है। मेरे जैसे अगर जिसके साथ इस तरह कुछ हुआ है वो तो अभी भी पोस्ट पे बैठी है, मेरे साथ तो जो हुआ है मेरे को तो सुसाइड कर लेना चाहिए था उस हिसाब से, कि मेरे को तो ज़िंदगी में कभी कोई नौकरी नहीं मिलेगी। और ऐसे कलम के साथ जो निकाला है कि मैं तो मेरी पढ़ाई सारी ख़राब कर दी, और मतलब कि इस एज में ना मैं दोबारा कभी गवर्नमेंट सर्विस या किसी भी सर्विस में अप्लाई कर पाऊंगी, तो मेरी ऐसी कहाँ गलती है? एटलीस्ट मेरे साथ जो हुआ है किसी और के साथ ना हो, क्योंकि ये चीज़ें सामने आएगी तभी लोगों के साथ पता लगेगा कि इस तरह से हुआ है, तो वो उस चीज़ के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। क्योंकि मैं कभी भी जुडिशरी को मीडिया में नहीं लाना चाहती थी क्योंकि मैं खुद इस चीज़ का पार्ट हूँ, बट मेरी अब कहीं पर भी सुनवाई नहीं हुई, तब जाके मुझे इस चीज़ का सहारा लेना पड़ा। आपका शिकायत पत्र मैंने पढ़ा है, वकीलों की जो भाषा थी आपने उसमें उल्लेख किया है, वास्तव में वो शब्द एक महिला के लिए सुनना काफ़ी दुखदायी। क्या मामला हुआ था कि इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया? वकीलों पर आपने सीधे आरोप लगाए हैं, नामजद आरोप लगाए हैं। ये 16 सितंबर की बात है जब मैं डायस पे थी, तो उस दौरान एडवोकेट पीर मोहम्मद और अर्जुन रामकाला वहाँ पे कोर्ट में आए और उन्होंने मिस बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से मिसबिहेव किया, जिसको मैंने इग्नोर करने की कोशिश करी, बट उन्होंने जैसे ही मैंने इग्नोर किया फिर उन्होंने और मतलब गंदी गालियों का इस्तेमाल किया, और मतलब कि इस तरह से इस्तेमाल किया कि किस पागल ने बिठा दिया इसको सीट पे। हमारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी गवर्नर ऑफ राजस्थान है, अगर किसी हम स्टेट के विरुद्ध अपनी गवर्नमेंट के विरुद्ध ही इतने गंदे वर्ड्स या इस तरह से भाषा उपयोग करेंगे, ये राजद्रोह की परिभाषा में आता है। तो मतलब तो मैंने उसकी कार्रवाई चालू करनी चाहिए उसमें कि राजद्रोह का केस, लेकिन क्योंकि उन्होंने क्योंकि अगर मैंने अपने खिलाफ तो सुन लिया ठीक है, मैं सीट पे बैठी हूँ, मैं उनसे आर्ग्यू नहीं कर सकती उस सीट पे बैठ के, बट एटलीस्ट तुम ऐसे इंसान को मतलब हमारी जो गवर्नमेंट चला रहा है, हम लोग को पूरी स्टेट को चला रहा है, तुम उनके लिए ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, तो वो चीज़ मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो मैंने उसके लिए कार्रवाई करनी शुरू करी, पुलिस कंप्लेंट करी, बट उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, और बल्कि एक्शन ये हुआ कि मेरा रातों रात ट्रांसफ़र अगले दिन ही कर दिया गया, मेरे से सारा चार्ज ले लिया गया। और जैसे ही मैं मेरे को चार्ज मेरे से लिया और मेरे को एपीओ करके मुझे जोधपुर भेजा, तो जोधपुर भेजते ही अगले दिन ही जैसे ही मैं जोधपुर पहुंची, मेरा जो चार्ज टेक ओवर किया था उन्होंने, सारी मेरी जो फाइल्स में मैंने प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ की थी वो सारी स्टे कर दी, और वो एसआर खोकर एडीजे जज हैं नागौर में, उन्होंने वो प्रोसीडिंग्स पूरी स्टे कर दी। वो छुट्टी पे थे, वो स्पेशली जयपुर से वापस आए, एक दिन की छुट्टी मतलब 10 दिन की छुट्टी पे थे, वो एक दिन के लिए वापस आए, वो मेरी कोर्ट प्रोसीडिंग्स जो मैंने इनिशिएट करी थी वो स्टे करी, और फिर वापस वो छुट्टी पे चले गए। मतलब एक तरीके से एक लॉबी बना दी एडवोकेट पीर मोहम्मद, क्योंकि उनके नोन में थे एसआर खोकर जो जज हैं, और जो हमारे इंस्पेक्टिंग जज नागौर के हैं फरजद अली सर, वो भी उनके मतलब नोन में थे। आप कहोगे तो मैं फोटोग्राफ्स उनकी काफ़ी शेयर कर दूंगी उनकी सबके साथ। तो मतलब एक तरीके के तीनों ने मिलकर एक लॉबी क्रिएट कर दी, एडवोकेट पीर मोहम्मद, इसरार खोकर एंड ऑनरेबल फजल अली सर ने, तीनों ने मिलकर कि मतलब एक षडयंत्र रच दिया कि अब इसको बाहर निकालना है नौकरी से। तो उन्होंने मेरा रातों रात ट्रांसफ़र करा दिया, और फिर ट्रांसफ़र करा के सीधा मेरे हाथ में डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस का ऑर्डर दे दिया। ट्रांसफ़र ये कह के कराया कि आपको एक अच्छी पोस्टिंग देंगे, बट वो अच्छी पोस्टिंग ना देके उन्होंने सीधा मेरे को मतलब डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस कर दिया। मैम, कई बार हमने देखा है कानून व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा, जो न्यायपालिका है उस पर बहुत ज़्यादा सवाल खड़े होते हैं। आप एक सिस्टम से लड़ रही हैं, एक ये बहुत बड़ा सिस्टम है, न्यायपालिका को सबसे ऊपर रखकर देखा जा सकता है, किस रूप में देखती हैं आपकी लड़ाई? क्योंकि न सरकार से न किसी विभाग से, सीधी न्यायपालिका से आपकी लड़ाई है। मेरी लड़ाई न्यायपालिका से नहीं है, मेरी लड़ाई अन्याय के विरुद्ध है, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है वो बदतमीजी में से उन एडवोकेट्स ने करी है। अब वो उन्होंने न्यायपालिका को किस तरह से मिसगाइड किया है और किस तरह से उन्होंने उनको मिसगाइड किया, मैं नहीं समझ पाई कि उनकी किस तरह से उनकी जान पहचान इतना इन्फ्लुएंस कैसे है कि वो उनकी बातों में आ गए। क्योंकि मैंने ये देखा है ज़्यादातर अपने केस में भी और लोगों के केसेस में भी कि एडवोकेट कुछ एडवोकेट जो होते हैं वो सीधा कंप्लेंट करते हैं और अधिकारी का ट्रांसफ़र हो जाता है, तो मतलब अधिकारी की कभी नहीं सुनी जाती। तो मेरे केस में मेरे साथ यही हुआ कि मैंने जो कंप्लेंट्स करी इतनी पिछले 2-3 सालों में, उस पर एक कोई एक्शन नहीं हुआ, एक एक्नॉलेजमेंट मुझे नहीं मिली, और सीधा मतलब किसी और ने मेरे विरुद्ध कंप्लेंट करी तो उस पर इमीडिएटली
एक्शन लेके मेरा ट्रांसफर कर दिया जाता है, और जो मैंने कंप्लेंट करी पुलिस कंप्लेंट अगर मैंने उस एडवोकेट के खिलाफ कर दी तो फिर सीधा मेरे का ट्रांसफर करके मुझे डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस कर दिया। जजों के साथ अक्सर ये देखने को मिलता है वकीलों का प्रेशर, महिला जज इसमें कितना सफर कर रही है? मतलब मैंने तो बहुत ही सफर किया है, मैंने बहुत चीजें इग्नोर भी करी कि जितना भी हैरेसमेंट मेरे साथ हुआ कि ठीक है एक लिमिट होती है हर चीज की, बट वो लिमिट जब क्रॉस कर दी उस दिन उन्होंने 16 सितंबर को, तब जाके मुझे पुलिस कंप्लेंट और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी पड़ी। और स्पेशली जब उन्होंने गवर्नर के खिलाफ इसकी बातें बोली तो मतलब कोई भी इंसान नहीं सुन सकता कि मतलब अपने खिलाफ तो इंसान सुन ही रहा है, मतलब किसी और के खिलाफ जिन्होंने हमें सीट पर बिठाया हम उनके खिलाफ कैसे सुन रहे, देखिए सब भगवान है वो हमारे लिए। अब न्याय को किस रूप में देखती हैं, कहां से मिलने मुझे न्यायपालिका पे पूरा अभी भी भरोसा है कहीं ना कहीं कि मेरे साथ न्याय होगा। अगर किसी को मिसगाइड भी किया गया किसी एडवोकेट द्वारा या किसी भी लिटिगेंट द्वारा या किसी भी के भी द्वारा, तो मेरी उम्मीद अभी भी मेरा है कि मुझे न्याय मिलेगा, चाहे वो हाई कोर्ट से मिले चाहे सुप्रीम कोर्ट से मिले। लड़ाई लंबी है, इंतजार करना बिल्कुल, मैं जिंदगी भर उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं बिल्कुल जिंदगी भर लड़ने के लिए तैयार हैं। अर्पिता साहू ने परेशान होकर इच्छा मृत्यु की मांग की है, लेकिन राजस्थान की एलिजा गुप्ता मृत्यु की मांग नहीं कर रही है, वो इंसाफ की मांग कर रही है, चाहे उन्हें किसी भी हद तक लड़ना पड़े और उम्र के किसी भी पड़ाव में पहुंचना पड़े। लेकिन न्यायपालिका पर जो समय समय पर सवाल खड़े होते हैं, इन सवालों को लेकर कई बार जज आगे आए हैं, तो कई बार जो न्यायपालिका में बैठे हुए अधिकारी हैं वह भी आगे आए हैं, लेकिन नतीजा हमेशा सिफर रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि राजस्थान की जो बेटी है एलिजा गुप्ता, उनको क्या न्याय मिल पाता है। आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़, मैं हूं ललित वर्मा।